आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसी रेसिपी लेके आए हैं जिसे बनाना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन खाने में ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, और बहुत आसानी से ये चंद मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है, और बहुत ही कम मसालों के साथ ये बनकर तैयार होता है। सिर्फ हम इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च और नमक डालेंगे, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं जाएगा। फिर भी ये पकौड़ा बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा, एकदम करारा, क्रिस्पी, चटपटा और मज़ेदार सा ये स्नैक है आपका। जब दिल चाहे आप इसे चंद मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से ये बनकर तैयार हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह करे आप अपने घरों में शाद और आबाद हों। मैं हूँ फरहाना और घर के जायका विद फरहाना में आपका वेलकम करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले अंडे ले लिए हैं, हम 3 से 4 अंडे ले लेंगे, उसे हम अच्छी तरह से धुल लेंगे। आप अंडे को बिना धुले कभी भी इस्तेमाल ना करें, अंडे ज़रूर धुल लिया करें। तो हमने अंडों को धुल लिया है, अब हम इसे रख देंगे बॉयल होने के लिए। तो हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच नमक और उतना पानी कि अंडे उसमें डिप हो जाएं। तो नमक ज़रूर डालिएगा अंडे बॉयल करते वक्त, क्योंकि उससे छिलके भी बहुत आसानी से निकल जाते हैं और अंडा बहुत जल्दी बॉयल हो जाता है और टूटता भी नहीं है। अब हम इसके लिए एक अच्छी सी चटनी बना लेंगे। तो हमने ले लिया 1 छोटा गड्ढी हरा धनिया और 4 से 5 हमने हरी मिर्चें ले ली हैं। आप हरी मिर्चें अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हम इन्हें अच्छी तरह से धुल लेंगे और धुलने के बाद हम इसे एक अच्छी सी इसकी चटनी बना लेंगे। तो हमें इसका मसाला नहीं बनाना, इसकी चटनी बनानी है, ना ही बहुत मोटी रहेगी और ना ही बहुत पतली। तो हमने इसे जार में डाल दिया, इसमें 1/2 चम्मच से कम नमक डाल देंगे, थोड़ा पानी डालकर इसकी चटनी बना लेंगे। तो चटनी हमारी तैयार है बिल्कुल इसी तरह की। अब हम इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसमें हम डाल देंगे चावल का आटा और बेसन। तो हम इसमें 3 टीस्पून, जो घर में टीस्पून होता है बड़ा वाला, उससे भरकर 3 टीस्पून हमने चावल का आटा डाला है और 3 टीस्पून बराबर करके हमने बेसन डाला है। चावल का आटा थोड़ा ज़्यादा डालेंगे हम और बेसन थोड़ा कम डालेंगे। अब इसे हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अभी हम पानी इकट्ठा इसमें नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हुए इसका एक स्मूथ सा बैटर बनाएंगे। ना ही बहुत गाढ़ा रहे और ना ही बहुत पतला रहे बैटर, बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए कि जैसे बासानी उसमें चिपक सके। अब हमने अंडे बॉयल हो गए थे तो उसका छिलका निकाल लिया है, अब हम इसे काट लेंगे। तो आप जैसे मर्ज़ी आपकी काट लें, चाकू से काट लें, लेकिन हम इसे धागे से काटते हैं। धागे से बहुत आसानी से कट जाता है, बहुत चिकना कटता है, और चाकू से काटने से क्या होता है कि चाकू से फिर हमें बाद में सब्ज़ी ये सब काटनी होती है तो उसमें अंडे की स्मेल बहुत आती है। तो आपको जैसे आसान लगे आप उससे कट कर लें। तो देखिए अंडे हम ऐसे एक करके 4 टुकड़े एक अंडे के कर लेंगे। आप चाहें तो किसी और भी शेप में काट सकते हैं या सिर्फ 2 टुकड़े भी कर सकते हैं, लेकिन 4 टुकड़े में ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ना बहुत बड़े होते हैं ना बहुत छोटे, और दिखने में भी खूबसूरत लगते हैं। तो अंडे हमारे सारे कट हो चुके हैं। अब हम चूल्हे पे रख देंगे कढ़ाई को और उसमें हम डाल देंगे ऑयल। डीप फ्राई हमें करना है तो इसके लिए हमें ऑयल ज़्यादा ही डालना होगा, और हम ऑयल को गर्म होने रख देते हैं तब तक कि हमें जो चटनी बनाई थी इसमें सारे अंडों को बहुत ही एहतियात से उठा उठा के डाल देते हैं, क्योंकि अंडे कटे हुए हैं और इसमें जर्दी है तो जर्दी निकल के गिरने का खतरा रहता है। तो हम बड़े ही हल्के हाथों से इसे डाल देंगे एक साथ और चम्मच से उसको कोट करते हुए और चम्मच से उठा कर इसे हम कढ़ाई में डाल देंगे। आप चाहें तो हाथ से भी डाल सकते हैं, लेकिन चम्मच से बहुत आसानी से डल जाता है। इसे हम फुल फ्लेम पे डालेंगे और डालने के 2 मिनट के बाद हम इसकी फ्लेम मीडियम कर देंगे। अगर बहुत ज़्यादा आप डाल रहे हैं तो फुल फ्लेम ही रहने दें, और अगर कम है तो आप जो है मीडियम फ्लेम कर दें, नहीं तो ये ऊपर से जल्दी से हो जाएगा और क्रिस्प नहीं होगा। पहले आप फ्लेम फुल रहने दें, फिर 1 मिनट के बाद आप फ्लेम को मीडियम टू स्लो कर दें। अगर ज़्यादा पकौड़े हैं तो मीडियम पे कर दें, अगर कम है तो मीडियम टू स्लो कर दें। तो इससे हमारे पकौड़े क्या होंगे कि बहुत ही कुरकुरे और बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तो देखिए पकौड़े हमारे तैयार हैं, माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी बनकर। आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत आसानी से बन जाते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। आपको ये रेसिपी इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।